हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी प्लस सी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा पहला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर जाह्नवी ये शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है तीसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने विकल्प में एक वह शब्द वर्तनी की दृष्टि शुद्ध जो शुद्ध उसी का आपको चयन करना है देखो और फिर बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर पृष्ठभूमि दूसरा ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है अच्छा पृष्ठभूमि के बाद आपका द्रवीभूत भी जो है वो आपका सही लिखा हुआ है है ना द्रवीभूत की भी वर्तनी जो है वो सही है ठीक है यानी कि दोनों ही सही हैं आपके बेसिकली देखो इसमें आपका द्रवीभूत भी सही है और प्रतिबिंब भी सही है तो इसमें पता क्या होगा जो अशुद्ध वर्तनी है उसका चयन करना है शुद्ध की जगह आप अशुद्ध कर लो ठीक है यानी कि जो गलत वर्तनी है उसका चयन करना है पृष्ठभूमि द्रवीभूत प्रतिबिंब सही लिखा हुआ है स्वर्गी गलत है स्वर्गीय की शुद्ध वर्तनी आप सभी लोग जानते हैं ये होगी ठीक है तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपको कवित्री की शुद्ध वर्तनी बतानी है क्वेश्चन नंबर थर्ड आराम से आप लोग जो है वो बता सकते हो तो तीसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अथ का ब्लोम शब्द क्या होगा बढ़िया क्वेश्चन से ये भी बता सकते हो तो अथ का ब्लोम शब्द क्या हो जाएगा सर इति तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा बता सकते हो सर सम्मुख का विलोम शब्द तो सम्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विमुख दूसरा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा मंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर जल्दी से बताओ मंद का विलोम शब्द तो मंद का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा तो मंद का विलोम शब्द हो जाएगा आपका द्रुत दूसरा ऑप्शंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे की ओर लाना या खींचना वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा उसे हम क्या बोलेंगे नीचे की ओर लाना या खींचना उसको बोलेंगे हम अपकर्ष दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिसका संबंध उपन्यास से हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा उसको क्या बोलेंगे तो जिसका संबंध उपन्यास से उसको बोलेंगे हम उपन्यासिक चौथा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा अतनु का व्लोम शब्द या अतनु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर जल्दी से बताएं अतनु का आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा है कि अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो अतनु का पर्यायवाची हो जाएगा आपका कामदेव कामदे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सारंग का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो सारंग का पर्यायवाची हो जाएगा आपका मोर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है प्रेम सागर के लेखक कौन है बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ प्रेम सागर के लेखक तो ये हैं आपके लल्लू जी लाल या लल्लू लाल जी तीसरा ऑप्शंस करेक्ट कंठोस्ट ध्वनि कौन सी है यानी कि कौन से वर्ण को हम कंठोस्ट से बोलते हैं जल्दी से बताओ तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आओ आओ और ओ दोनों को ही हम कंठोस्ट से बोलते हैं ठीक है थीके? तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो आपको बता चुका हूँ भैया प्राण हो गया हस्ताक्षर हो गया उसके बाद प्राण हस्ताक्षर दर्शन ठीक है ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं आंसू का बहुवचन क्या होगा हो। सर जल्दी से बताओ आंसू का बहुवचन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जल्दी से बताओ तो आंसू का बहुवचन जो है वो आंसू भी होगा और आंसुओं भी होगा ठीक है तो कहीं कहीं आंसुओं भी लगा देते हैं और आंसू का बहुवचन आंसू ही भी लगा देते हैं तो फिलहाल जब भी ऑप्शंस में आए तो आप आंसू ही लगाना पहला ही ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है आपका नैसर्गिक का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा सर जल्दी से बताओ अगर दोस्तों हम नैसर्गिक के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक और नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा कृत्रिम तो दोनों ही क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं तो कृत्रिम विलोम शब्द प्राकृतिक पर्यायवाची है अंडे का सहजाता इसका सही अर्थ क्या है सर जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अंडे का सहजाता तो किसी इसका इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति चौथा ऑप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अन्न को कन्न करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है सर जल्दी से बताओ तो सही आंसर हो जाएगा बनी बात बिगाड़ना दूसरा ऑप्शंस करेक्ट अरणय चंद्र का मुहावरे का सही अर्थ क्या है जल्दी से बताइए अरणय चंद्र का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका निष्प्रयोजन पदार्थ तीसरा ही ऑप्शनस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सावन हरे नाबादक इस इस्लोकोत्ती का सही अर्थ क्या है जल्दी से बताइए सावन हरे और बाधक सुख हैं स्लोकोत्ती का सही अर्थ क्या है सही आंसर हो जाएगा आपका सदा एक जैसे रहना पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है एक तंदुस्त तंदुरुस्ती हजार नियामत इस्लोकोत्ती का सही अर्थ क्या है एक तंदुरुस्ती हजार नियामत यानी कि स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा घोड़ों का घर कितनी दूर लोकोत्ति का सही अर्थ क्या है सर जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका व्यक्ति की सफलता सरल होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा सर जल्दी से बताइए वाल का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बाला और बालक का होगा बालिका कई लोग ए ऑप्शन सोच रहे होंगे हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं बताओ सर तो हिंदी भाषा में लिंग जो है वो मात्र और मात्र दो ही प्रकार के होते हैं स्त्रीलिंग और पुरलिंग लास्ट क्वेश्चन देखो कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय भारतीय समाज को आ, समाज को विकास के स्थान पर फिल्म ब्लैंक्स की ओर उन्मुख करेगा तो आपको बताना है फिल्म ब्लैंक्स के स्थान पर सुटेबल वर्ड क्या होगा तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में जय हिंद जय भारत